जेल अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना है इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया।
आप ही उसी बैठेंगे आप पाए गए ले जाए हवा तो आ जा रहा है पूरा पूरा आप बैठोगे नहीं कुछ न करे पड़े वो बैठे जगह न रहे नहीं तो निकल जाएगी वही कह रहे नहीं पता चले वो छटपटाए तो ये खुद ही छोड़ दे एक डेढ़ घंटा पानी की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं नहीं दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं एक घंटे में पहुंच चलेंगे चला जाए इसी को आगे आगे करिए इसको ड्राइवर को रास्ता मालूम है कहाँ गए आज चलोगे आप अच्छा अच्छा चलिए चलो चलो आगे बढ़ाओ तुम जो सुरेश यही फाइल हमारे इसी आगे आगे चलो इसे बैठ लो गाड़ी में सी में बनाई लिए सब वीडियो वीडियो ना और सब चलो आगे भाई बीच में चल रहा
आगे चले आप पीछे हो बीच में बहुत बारी भैया अरे बिना आपको जाएगी हम चल तो रहे साथ साथ बैठ लेते उसमें अरे अब उसमें कहाँ बैठेंगे ये तो आप अपने गाड़ी में बैठा लीजिए ये भी डलाएंगे डीजल डॉक्टर साहब आप अपनी गाड़ी आगे रखें उसके पीछे हम अपनी गाड़ी पीछे बांध दीजिए जो से फाड़ सुन सकते अपनी गाड़ी ये हेलो दोस्तों, आज सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि जो मेरा सारस पक्षी है मेरे साथ नहीं रह सकता, इसको लेकर जा रहे हैं ऊंचाहार समसपुर बिहार। उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं देखने उसको। ये जो आगे गाड़ी चल रही है इसी गाड़ी के अंदर है, वो तड़प रहा है अंदर, इसी के अंदर रखा गया है उसको। आगे जो गाड़ी चल रही है वो डॉक्टर साहब है कोई, और पीछे एक गाड़ी है, दिखाओ पीछे एक गाड़ी है, वो सीएमओ की साहब की गाड़ी है। आगे का नाम आगे गाड़ी चल रही, इसी गाड़ी में है मेरा दोस्त जिसको अब लेकर जाया जा रहा है समसपुर। बोले यहाँ से अच्छा वहाँ रहेगा, उसको आराम रहेगा वहाँ पे।
और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अब। ठीक है, गाड़ी के अंदर बल दिए हैं, ऊपर से बांध दिए चारों तरफ से।